अस्सलाम वालेकुम। तो डी व्लॉगर्स दाऊद, तो आप लोग सोच रहे होंगे यार जो आगे इसने वीडियो दिखानी है, मतलब जो दिखाएगा मैं दिखाने लगा हूँ, वो कल रात की है। और अभी मैं सुबह क्यों बना रहा हूँ, कल रात को क्यों नहीं अपलोड की, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं था, रात को मैं काफ़ी लेट आया था, उसकी वजह से कुछ काम शाम होने की वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। अब ये है कि रात को मैं गया था, पहले मैंने सोचा था कि जाऊँगा उधर चाय पीने के लिए कैफ़े कहानी, तो ये हुआ कि कैफ़े कहानी का बनाया तो सही था, लेकिन 5-6 दफ़ा वहाँ से हो आए थे, क्योंकि वहाँ पे ना जो माहौल है, मतलब कि वहाँ की सीटिंग प्लान आज काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा वहाँ पे फैमिली गैदरिंग भी एक किस्म की हो सकती है, उसके अलावा और काफ़ी चीज़ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, उसका रेट भी काफ़ी मतलब मुनासिब है। अगर एक चाय है कड़क चाय, उसका जो रेट है वो तकरीबन होगा 130 प्लस एक्सक्लूडिंग GST, मतलब 150 रुपये की एक चाय बन जाती है। तो सिटिंग प्लान के लिहाज से ना ठीक है, मतलब दो बंदों का या तीन बंदों का अगर वो तीन चाय के कप पिए तो 450 तकरीबन बन जाता है। तो डेली हम जा रहे थे उधर कैफ़े कहानी, तो आज सोचा कि उसका साथ वाला ट्राई करते हैं कपशप। तो कपशप ट्राई किया, फिर आप उसका व्यू देखें कपशप का कैसा व्यू है, और मुझे बताइए कि आपने देखा ही होगा कि कपशप का व्यू और उसका सीटिंग प्लान वगैरह। एक्चुअली ना वहाँ पर रश कर भी था, इस वजह से ना काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी पूरी वीडियो बनाने के लिए,
और अगर अच्छा आपने अगर चाय कवाली पे जाना है, मतलब जहाँ पे उस जगह पे जाना है जहाँ पे कवाली भी हो, तो वो चाय कहानी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे कवाली होती है 8 से लेकर 10-11 बजे तक, उससे भी एक्सटेंड हो सकती है, कभी कभार होती है। अच्छा चाय कवाली में जो है ना, चाय कवाली जो सिटिंग प्लान है वहाँ का काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि उधर मतलब नॉर्मल है और उसके मतलब बैठने वाला माहौल भी नहीं है, वहाँ पे रश भी काफ़ी होता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कैफे कहाँ ही जाए। खैर मैं एक नई चीज़ खुल रही है यहाँ पे हमारे घर के पास, सब्जाजार में ना, सब्जाजार के पास एक नई चीज़ खुल रही है। अब वो क्या है कि उसका ना सीन कुछ इस तरह है कि वो 7वें फ्लोर पे जमजम हाइट से यहाँ पे लियाकत चौक के पास 7वें फ्लोर पे उसका खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है, जिसमें चाय भी होगी, जिसमें कवाली भी होगी, जिसमें रेस्टोरेंट भी होगा। वो खुलना है 1 मार्च को। अब फरवरी आज तो 1 मार्च मतलब के तकरीबन 20 दिन बाद। उसका रिव्यू मैं ज़रूर लेके आऊँगा और मेरा ख्याल है कि सबसे पहला मैं ही बंदा हूँगा जो उसका रिव्यू लेके आएगा, क्योंकि जैसे ही खुलेगा मेरे घर के पास है, मैं फ़ौरन चले जाऊँगा और वहाँ का जो सबसे बेस्ट डिश है वो ट्राई करूँगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपका मेज़बान दाऊद।